क्या कमा रहे हैं, और वही चीज़ों पे ध्यान दें जिससे कल वो पैसा कमा सकेंगे। तो क्या पता समाज की ये मोरालिटी हो जाए तो बच्चे को आप क्या दोष दे रहे हैं, ये बताइए। बहुत सही बात कही आपने कि घर में लाइब्रेरी होती थी, अब नहीं होती है। मैं आपको इससे भी ज़्यादा ट्रेजिक बात बताता हूँ, और वो सच है, आपको ह्यूमरस लगेगी मगर झूठ नहीं। मैं बॉम्बे में ऐसे भी घर जानता हूँ कि जहाँ पर इंटीरियर डेकोरेटर ने बुक्स खरीदी, इसलिए बुक्स जो फर्नीचर से और पर्दों से मैच कर, ये सच है कि ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो आती थी, पूरा सेट बड़ा लंबा चौड़ा होता था, वो डीप ब्राउन कलर के लेदर बाउंड होती थी, तो ब्राउन फर्नीचर से बहुत अच्छी जाती थी, तो वो रखे होती थी जिसे उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं खोला होगा। रीडर डाइजेस्ट के सीरियल आती थी तो उनकी स्पाइन जो है एक कलर की होती थी। तो अगर 20 किताबें आप एक साथ रखते हैं किसी रैक पे, उसके बाद एक फ्लावर वास रख दिए, एक छोटा सा कल्चर रख दिए, तो वो डेकोरेशन के लिए वहाँ होती, ये भी हुआ और होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड क्या है कि मैं देखता हूँ कि किसी भी लिट फेस्ट में जो डोमिनेटिंग नंबर होता है वो यंगस्टर्स का होता है, और वो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आउटिंग के लिए या पिकनिक के लिए आते हैं, ना पिकनिक इज ऑल्सो एन ऑब्सोलीट वर्ड, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं। मुझे एवरी डे आई गेट एट लीस्ट 5 to 10 मैसेजेस ऑन माई ईमेल कि जो पोइट्री मुझे भेजते हैं लड़के लड़कियाँ, मुझे देख के खुशी भी होती है, गम भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि आई कैन सी देयर पैशन, आई कैन सी देयर इंटरेस्ट इन इट। गम ये होता है कि हाउ लिटिल दे नो अबाउट द क्राफ्ट, बिकॉज एवरी आर्ट हैज़ अ क्राफ्ट। तो वो क्राफ्ट जो है वो तो सीखने वाली चीज़ है, पैशन तो आपके अंदर से आता है, फैंटेसी आपकी।